300 महिलाएं इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार। और बढ़िया क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल टू चार्ज। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं हूँ इस वक्त नोएडा में सेक्टर 33A में और मेरे पीछे यह है सरस अजुका मेला 2022 जो कि दूसरी बार नोएडा में लग रहा है और ये शुरू हो चुका है यहाँ पर और आज दूसरा दिन है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे देश विदेश के हासिल हथकरघा के सामान देखने मिलेंगे, साथ साथ आपको यहाँ पे देश भर की जो फूड आइटम्स यहाँ पे देखने मिलेंगे और आप उसका स्वाद चख पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले वीडियो को लाइक की दीजिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, घुमाते हैं आपको सरस अजीविका मेला 2022। तो दोस्तों हमने एंट्री ली है सरस अजीविका मेला 2022 में और ये नोएडा में, मैंने पहले बता दिया सेक्टर 33A में है। तो दोस्तों ये देखिए नज़ारा मेला का और आज दूसरा दिन है और देखिए यहाँ पे आपको 300 इधर महिलाएं आई हैं, हस्तशिल्प महिलाएं आई हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही है इस मेले में और आपको बहुत सारे यहाँ पे कपड़े और आपको हस्तशिल्प और हैंडमेड मटेरियल आपको देखने मिलेगा। साथ में आपको आप यहाँ पे बेहतरीन फूड का ही मज़ा ले पाएंगे। तो अगर आप सब चीज़ एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मेले में लगभग हर स्टेट के लिए यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे कपड़े और हैंडमेड मटेरियल। इसमें आपको कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने मिलेंगी जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को दोस्तों देखिए कितना प्यारा सजाया है यहाँ पर। और कल की बारिश ने थोड़ा यहाँ पर ख़राब कर दिया है पर ठीक है, सब बड़े बेटर हो जाएगा। अब सामने आप इस्कॉन टेम्पल देख रहे हैं जो कि बहुत फेमस है नोएडा का और उसके जस्ट साथ में ही है ये मेला। सो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सेंटर और देखिए यहाँ पे किसे बिठाया गया है। भैया मुझे बताइए कि यहाँ कब तक मेला चलेगा। भैया कहाँ जा रहे हैं, बैठिए बैठिए बताइए। देखिए इन्फॉर्मेशन देने वाला खुद ही भाग गया। बच्चों के लिए यहाँ झूले भी हैं थोड़े बहुत। सो दोस्तों अब मैं इस मेले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ की टाइमिंग और यहाँ का लोकेशन। तो जहाँ तक लोकेशन की बात करें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका है नोएडा सिटी सेंटर। आप वहाँ से वॉक करके भी आते हैं, रिक्शा करके भी आते हैं। और जहाँ तक टाइमिंग की बात है दोस्तों, ये सुबह 11 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। और ये इसकी एक चीज़ और ख़ास बता दूँ दोस्तों, ये जो है 25 फरवरी से 13 मार्च तक ही खुला हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अगर ट्रेड फेयर नहीं विजिट किया है और हुनर हाट नहीं घूम पाए हैं तो ये जगह आप आ सकते हैं। और यहाँ दोस्तों देखिए ज्वेलरीज हैं और ये आपको कुछ हाउस होल्ड के सामान। हेलो दोस्तों, हम नेचर स्टॉक से और हम लोग पार्टिसिपेट करना चाह सरस मेला 2022 में नोएडा हाट के अंदर। और यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं सिक्स डिफरेंट तरह के फ्लेवर सॉल्ट और सिक्स डिफरेंट टाइप की हर्बल टीज़। उत्तराखंड में 2500 से ऊपर हाई एटीट्यूड में ये मिलता है और दांतों के लिए बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट ये देता है, दांतों मसूड़ों के लिए। और यू मस्टर्ड फ्लेवर सॉल्ट ठीक से, और यू मिंट गौरमा हम लोग यूज़ करते हैं, यू चोरू जांगता है हिंदी में गंदरायण विबुलदन, और यू कैमोमाइल सॉल्ट ती यू लूणो माइन। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो कि 20 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिला के बढ़िया चाहे ना, और सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर ए ग्रेड क्वालिटी मसाले हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हैंडमेड है, हैंड ग्राइंडेड है। समूह हमारी टीम है जो हैंडमेड इस पर काम करती है और सिलबट्टे पे पीस के बनाती है, 3 से 4 बार ही इस पर काम होता है। एक जो सॉल्ट है, एक एक सॉल्ट को बनने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है और पूरे उत्तराखंड के अंदर या मैं यूँ कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन लूण कोई नहीं ध्यान होल या 20 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिले छन और बढ़िया क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स मिले छन। और ये हमारे रोटना है, उत्तराखंड में यूँ तो रोटना बोल दें
और ये भी हमारा माँ बहनों का बनाया जन घोर माँ और सब जना नहीं खट्टे एक तो बना नहीं होते ठीक। और यहाँ मैं यू शुगर पूरी बिस्किट भी बोल सकता हूँ आप एक है ना, यह हम अच्छी नहीं यूज़ नहीं बन बिल्कुल भी। और ये हमारी हर्बल टीज हैं, अगर ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है सी बक्तौन जो हिमालय पे मोर देन 3000 हाइट पे आपको मिलता है ठीक है, हिमालय रेंज में लद्दाख सिक्किम उत्तराखंड। ये पहली बार ही हम लोग हर्बल टी लेके आए हैं सी बक्तौन की ठीक है। ये ब्लू पी टी है, ये गोल्डन कैमोमाइल है, लेमन टी, नेटल टी, ये भी उत्तराखंड का एक स्पेशल ब्रांड है जो उत्तराखंड में पाया जाता है और इसे वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कंडली के नाम से जानते हैं सब लोग। ये हिल ग्रीन टी है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर। दोस्तों ये हैं जननी, हमारी माँ बहन बेटी ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे चलेंगे और आप सभी का सहयोग। तो दोस्तों आप लोग आओ नोएडा हाट के अंदर और हमारे स्टॉल पे विज़िट करो। और तो मेरे सामने दोस्तों जम्मू कश्मीर के हैं और यहाँ पे आपको शॉल वगैरह बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। और ये है भोलेनाथ, जम्मू कश्मीर के सामान है दोस्तों। और ये चीज़ मुझे नई चीज़ दिखी मैम, ये है क्या कुशन है, क्या प्राइस है इसका? 350 पर पीस। तो दोस्तों ये है अचार का सेक्शन, यहाँ पे आपको बहुत सारे अचार देखने मिलेंगे। ये देखिए आप यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छा लगा तो खरीद भी सकते हैं। ये दोस्तों शंख और सीपियों से बनी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये जैविक उत्पाद और ये देखिए ये चीज़ तो आपको घर के आसपास मिल जाती होगी। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए कुछ कपड़ों के सेक्शन में आते हैं, आपको कपड़े दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लेडीज़ डिपार्टमेंट है, लेडीज आज सेकेंड डे है तो अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने नहीं मिली, पर जैसे जैसे आप टाइम बिटेगा यहाँ आपको क्राउड देखने। तो दोस्तों सामने है बिहार और यहाँ पे आपको हैंडमेड मटेरियल देखने मिलेंगे। लगभग 300 महिलाएं इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार इस मेले में, जो अपने हाथ से बनी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिखा रही हैं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों मेरे सामने देख रहे हैं ये है सरस अजीविका मेला 2022 का। यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, फिलहाल अभी तो कुछ प्रोग्राम नहीं हो रहा क्योंकि सुबह का वक्त है, शायद शाम को होते होंगे। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा फूड कोर्ट है और फिलहाल मैं फूड कोर्ट में घूमता हूँ और एक्सप्लोर करके बताता हूँ कि जो फूड है कैसा है। दोस्तों ये जो सेक्शन देख रहे हैं मेरे पीछे ये वेज का सेक्शन है और जो नॉन वेज का सेक्शन है वो ये रहा पीछे, ये नॉन वेज का सेक्शन है तो दोनों को सेपरेट रखा गया है, वेज और नॉन वेज, ये अच्छी चीज़ है। दोस्तों मैं पहुँचा फूड कोर्ट में और यहाँ पर आपको तरह तरह के फूड्स देखने मिलेंगे, अलग अलग स्टेट्स के हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, कुछ तो आपने चखे भी होंगे कुछ आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो आप यहाँ पे फूड का एंजॉय करते हैं, साथ में रेट लिस्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये रेट लिस्ट और ये देखिए अभी बिल्कुल भी तैयारी चल रही है, ये देखिए मिठाइयाँ भी हैं यहाँ पर दोस्तों, ये पंजाब का फूड दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ का दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग व्यंजन है जो आपको यहाँ खाने मिलेंगे, आप यहाँ चख सकते हैं, आइए यहाँ पर और फूड को एंजॉय कीजिए। सो ये रेट लिस्ट देखिए, पनीर पराठा, आलू पराठा 50 के, गोभी पराठा 60 के। दोस्तों ये है केरला के कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जो आपको यहाँ खाने मिलेंगी और आगे बढ़ते हैं। और साथ मिलेंगे आपको नॉनवेज मटी खाने को यहाँ पर, जैसे मोमोज है, चिकन मोमोज है, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। सो दोस्तों आप यहाँ बिरयानी के मज़े भी ले सकते हैं और ये रेट लिस्ट बिरयानी का और कबाब बिरयानी सब यहाँ पे आपको मिलेंगे खाने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ किचन है पीछे, ये है गुजरात से और ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोबर से बना स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है जो एंटी रेडिएशन में भी काम आता है। अच्छा अच्छा, तो रेडिएशन हम पानी पहुँचाते वो नहीं पहुँचाते इसमें मोबाइल रखने से। अच्छा तो ये है गोबर का आईना है,
किचन भी है दोस्तों यहाँ पर, देखिए गोबर से बना दोस्तों। सबसे खास बात देखिए, सारे गोबर के दिए हैं, गोबर के दिए ये देखिए सारा चीज़ है, पूजा थाली है गोबर की। वाह गुजराती थाली, वाह ये देखिए दोस्तों ये गुजराती थाली और ये भी गोबर से बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही डेकोरेट किया हुआ है इसको, अच्छा लग रहा है देखने में। गोबर के गमले हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या प्राइस होगा इसका भी? 50 रुपये का है। 50 रुपये का है दोस्तों। इस गमले को आप खरीद सकते हैं यहाँ से। और ये गणेश जी है, टेंट भी, इसमें पेन भी आ जाएगा और क्लॉक भी आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस 250 है। 250 प्राइस है दोस्तों। अगर दोस्तों ये प्लांटर्स हैं और देखिए कितने सारे प्लांटर्स यहाँ हैं और खूबसूरत खूबसूरत प्लांटर्स यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर किससे, तो आपका नाम क्या होगा? हिमांशु कुमार। हिमांशु मुझे आप बताएंगे आपको ये जगह कैसी लगी, हाट मेला कैसा लगा? काफ़ी अच्छी जगह है वैसे, घूमने के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे और नए नए प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे और अलग अलग स्टेट के काफ़ी सारे कल्चरल फेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी कुछ है देखने को यहाँ पे। तो आप लोगों से चाहेंगे कि वो आए यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, जो आसपास के जो एरिया में लोग रहते हैं वो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। हाँ प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे लेकिन। तो दोस्तों ये था सरस सजुका मेला 2022 का मेरा छोटा सा ब्लॉग, और क्योंकि ये कल ही ओपन हुआ है तो आज भीड़ थोड़ी कम देखने मिल रही है पर धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ रही है। और दोस्तों जहाँ तक इसकी लोकेशन की बात करें दोस्तों, ये है नोएडा सेक्टर 33A में और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा सिटी सेंटर, आप वहाँ से वॉक करके या रिक्शा करके आ सकते हैं। और ये जो है तो ये 25 फरवरी से 13 मार्च तक ओपन है और इसकी टाइम बता दूँ सुबह 11 बजे से रात के 9:30 बजे तक ओपन रहता है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ इन्जॉय कीजिए और यहाँ के जो फूड्स हैं उनको भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ में आप परचेसिंग करता है तो आप यहाँ परचेसिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।